बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने एक PIR सेंसर यूज किया हुआ है मोशन डिटेक्शन के लिए। इसके बाद एक अर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद L298 मोटर ड्राइवर यूज किया हुआ है। इसके बाद DC मोटर यूज की हुई है डोर ओपन क्लोज करने के लिए। इसके बाद 2 LEDs यूज की हुई हैं। इसके बाद 200 ओम की रेजिस्टेंसें यूज की हुई हैं। यहाँ पर हमने रेड LED टाइमर की इंडिकेशन के लिए यूज की हुई है और ग्रीन LED PIR की इनपुट की इंडिकेशन के लिए यूज की हुई है। जो आप फाइल्स डाउनलोड करेंगे उसी में ही PIR की लाइब्रेरी भी है प्रोटियस के लिए। तो लाइब्रेरी के फोल्डर में से आपने फाइल्स कॉपी करके प्रोटियस की लाइब्रेरी के फोल्डर में जाके पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास PIR की लाइब्रेरीज हैं, इनको आपने कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने सी में जाना है। इसके बाद प्रोग्राम फाइल में जाना है। इसके बाद लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। तो यहाँ पर आपने प्रोटियस के फोल्डर को ओपन कर लेना है। इसके बाद लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पर ये फाइल्स पेस्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपने बैक हो जाना है। तो इसी फोल्डर में ये एक्स फाइल भी है। तो सिमुलेशन में PIR को क्लिक करके ये एक्स फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आपने PIR को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपने उस फोल्डर से एक्स फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ओके कर देना है। प्रोटियस सिमुलेशन रन करने के लिए अर्डिनो का कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने अर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूं। यहां से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सिलेक्ट करना है अर्डिनो यूनो। इसके बाद यहां से अपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहां से अपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है। तो यहां से अपने अर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहां पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और यहां से सिमुलेशन रन कर लेनी है। तो जैसे हम फाइल रन करते हैं 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए मोटर को क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दिया हुआ है कि डोर हमारा क्लोज हो जाए। इसके बाद जैसे ही PIR मोशन डिटेक्ट करेगा तो ये अर्डिनो की A0 पिन पे 5 वोल्ट का सिग्नल देगा और जैसे ही ये 5 वोल्ट का सिग्नल रीड होगा तो 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देंगे डोर ओपन करने के लिए। और साथ ही यहाँ पे टाइमर की भी LED ऑन होगी हुई है और मोशन डिटेक्शन की भी LED ऑन होगी हुई है। और जैसे ही यहाँ से PIR की इनपुट खत्म होगी तो ये ग्रीन LED ऑफ हो जाएगी, जो कि इंडिकेट कर रही है PIR की मोशन डिटेक्शन। तो यहाँ पर हमारा टाइमर की LED ऑन है। जैसे ही टाइम जितना हमने कोड के अंदर सेट किया हुआ है तो कंप्लीट होगा, इसके बाद डोर ऑटोमेटिकली क्लोज होना शुरू हो जाएगा। अगर इस दौरान PIR मोशन को डिटेक्ट करता है तो टाइम दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह ही अगर PIR सेंसर मोशन को डिटेक्ट करता ही रहेगा तो डोर हमारा ओपन रहेगा। इसके बाद जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होगा तो डोर दोबारा से क्लोज होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने अर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद PIR सेंसर यूज किया हुआ है। इसके बाद L298N मोटर ड्राइवर यूज किया हुआ है। तो इस मोटर ड्राइवर में 2 HBridge होते हैं, यानी कि 2 DC मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड करने की ऑप्शन होती है। तो यहां पर हमने
इन वन और इन टू यूज की हुई है। मोटर ए पे डोर की मोटर अटैच की हुई है, तो यहाँ पर हमने डोर के लिए डीवीडी रूम यूज किया हुआ है। डीवीडी रूम को ओपन और क्लोज करने के लिए डीसी मोटर यूज हो रही होती है, तो उस मोटर को हमने एच ब्रिज से कंट्रोल किया हुआ है। इसके बाद टू एलईडी यूज की हुई है, 200 ओम की रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है। इसके बाद पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का, जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है अर्डिनो यूनो के लिए, पीआईआर सेंसर के लिए, L298 मोटर ड्राइवर के लिए, और यहाँ से ये आउटपुट एच ब्रिज के थ्रू डीसी मोटर को दी हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने पीआईआर सेंसर के लिए A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ग्रीन एलईडी के लिए 8 नंबर पिन इनिशियलाइज की हुई है। रेड एलईडी के लिए
9 नंबर पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद मोटर कंट्रोल करने के लिए जो L298 को वायर जा रही है 2 और 3 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सेट टाइमर की वेरिएबल 5 की इक्वल की हुई है। तो ये वेरिएबल जितने टाइम के लिए हमने डोर को ओपन रखना है तो यहाँ पर आपने उतनी वैल्यू देनी है। अभी हमने 5 सेकंड दिया हुआ है, यानी कि जैसे ही PIR मोशन को डिटेक्ट करता है तो डोर हमारा ओपन हो जाता है और 5 सेकंड डिले के लिए डोर ओपन रहता है। इसके बाद अगर उस दौरान PIR सेंसर ने कोई मोशन डिटेक्ट नहीं की तो 5 सेकंड के बाद डोर हमारा क्लोज हो जाता है। इसके बाद सेंसर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, सेकंड की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, फ्लैग की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, डिले स्टार्ट की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ 9600 बॉर्डेड डाटा रेट पर स्पीड होता है। यहाँ पर हमने सीरियल को यूज किया हुआ है PIR सेंसर का नोटिफिकेशन सीरियल मोटर पे चेक करने के लिए। इसके बाद सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है, LEDs की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद जो मोटर के लिए दो पिन इनिशियलाइज की हुई है इन वन और इन टू आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने डोर को क्लोज करने के लिए इन वन यानी कि डोर ओपन की पिन को लो रखा हुआ है और डोर क्लोज की पिन को हाई किया हुआ है। 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए मोटर क्लॉकवाइज मूव होती है, डोर हमारा क्लोज हो जाता है। इसके बाद इन वन और इन टू की पिन को लो किया हुआ है, यानी कि डोर हमारा जैसे ही क्लोज हो जाता है तो मोटर हमारी ऑफ हो जाती है। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। इसके बाद PIR सेंसर की पिन डिजिटल रीड हो रही है तो इसको हमने सेंसर की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने सेंसर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सेंसर की वेरिएबल 1 की इक्वल है इसका मतलब ये है कि PIR ने मोशन को डिटेक्ट कर लिया हुआ है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमने सीरियल मॉनिटर पे मोशन डिटेक्टेड प्रिंट करना है। इसके बाद रेड और ग्रीन LEDs की पिन हाई कर देनी है। इसके बाद फ्लैग चेक लगाया हुआ है, अगर फ्लैग 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने L298 की इन वन यानी कि डोर ओपन की पिन को 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए हाई कर देना है और इसके बाद इन वन और इन टू को लो कर देना है, यानी कि 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है। इसके बाद मोटर को स्टॉप किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने सेकंड की वेरिएबल को 0 के इक्वल किया हुआ है और फ्लैग की वेरिएबल को 1 के इक्वल किया हुआ है। तो यहाँ पर फ्लैग की वेरिएबल को 1 हमने इसलिए किया हुआ है अगर डोर क्लोज है और PIR मोशन को डिटेक्ट करता है तो उस कंडीशन के ऊपर फर्स्ट टाइम ये मोटर को 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देगा और इसके बाद यहाँ पर फ्लैग की वेरिएबल 1 की इक्वल हो जाएगी। और दोबारा अगर PIR सेंसर टाइम कंप्लीट होने से पहले मोशन को डिटेक्ट करता है तो उस कंडीशन के ऊपर ये दोबारा मोटर को ऑपरेट नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पर हमने डिले स्टार्ट की वेरिएबल को मिलीसेकंड के इक्वल किया हुआ है। जैसे ही PIR सेंसर मोशन को डिटेक्ट करता है टाइमर को रिस्टार्ट करने के लिए सेकंड की वेरिएबल को भी 0 के इक्वल किया हुआ है और डिले स्टार्ट की वेरिएबल जो कि मिलीसेकंड काउंट करने के लिए यूज की हुई है तो इसको मिलीसेकंड के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद अगर PIR सेंसर पे कोई मोशन नहीं हो रही तो उस कंडीशन के ऊपर इसने else में जाना है और यहाँ पर इसने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना है मोशन स्टॉप्ड। यहाँ पर ग्रीन LED की पिन को लो किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने फ्लैग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है, अगर फ्लैग की वेरिएबल 1 की इक्वल है तो इसके साथ ही इसने मिलीसेकंड की वेरिएबल में से डिले स्टार्ट की वेरिएबल को माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर ये वैल्यू 999 से ओवर है तो इसने सेकंड की वेरिएबल में एक वैल्यू प्लस कर देनी है। इसके बाद मिलीसेकंड की वेरिएबल को रिस्टार्ट करने के लिए डिले स्टार्ट की वेरिएबल को मिलीसेकंड के इक्वल किया हुआ है, यानी कि दोबारा फिर जो उस टाइम के मौजूदा मिलीसेकंड होते हैं वो डिले स्टार्ट की वेरिएबल के इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है, अगर सेकंड की वेरिएबल सेट टाइमर की वेरिएबल से ओवर होगी जो हमने 5 की इक्वल की थी तो जैसे ही सेकंड की वेरिएबल इस वेरिएबल से ओवर जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने रेड LED जो कि हमने टाइमर के लिए यूज की थी उसको लो कर देना है। इसके साथ ही मोटर को क्लॉकवाइज मूव करने के लिए इन 2 की पिन को हाई किया हुआ है जो कि डोर क्लोज के लिए यूज की हुई है। 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए ये पिन हाई रहती है। इसके बाद ये दोनों पिनें लो की हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने फ्लैग की वेरिएबल को 0 के इक्वल किया हुआ है तो जैसे ही फ्लैग की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है तो वहां पर हमने जो मिलीसेकंड की वेरिएबल पे चेक लगाया होता है वो भी स्टॉप हो जाता है और यहाँ पर सेकंड की वेरिएबल भी 0 के इक्वल हो जाती है। तो जैसे ये सेकंड की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है तो ये दोबारा इस फंक्शन के अंदर नहीं आता है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है, 100 मिलीसेकंड के डिले पे ये लूप रन होता रहता है। तो ये था हमारा कोड, चलिए अब इसको Arduino में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है Arduino यूनो। इसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।